और भोपाल में मैंने अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी फिल्म बनाई मकबूल। जब तक जरूरत ना पड़े आप डायलॉग का इस्तेमाल ना कीजिए। भोपाल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता। विश्वरंग के इस महोत्सव में आप सभी आगामी सभी आगंतुकों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरा नाम इरफान है और जैसा विनय जी ने कहा उसमें छोटा सा शोधन यह है कि प्रोग्राम का नाम शख्सियत नहीं गुफ्तगू है, जिसको आप सभी जानते हैं। मुझे मालूम है कि तमाम ऐसे बोले चेहरे जो इस वक्त ऑडिटोरियम में मौजूद हैं मेरी यहाँ मौजूदगी से ज़रूर कुछ लुत्फ उठा सकेंगे। शायद पहला मौका होगा कि जब वो आमने सामने मुझे क्योंकि बातचीत करते हुए देखेंगे। ज़्यादा वक्त ना देते हुए चूँकि विशाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे समय के बड़े प्रख्यात पत्रकार रवीश कुमार अक्सर इस बात को कहते हैं कि एक ही पेड़ में कई बारिशों का पानी होता है, और ये कई बारिशों का पानी इसी को हम टटोलने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के निर्माण में कितने प्रभाव होते हैं, और जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वो प्रभाव जाने अनजाने उसके अंदर काम करते हैं। जब हम विशाल जी की बात करते हैं जो कि खुद आज से 25-26 साल पहले उन्होंने जब अपनी संगीत और फिल्मों की दुनिया शुरू की तो उनके सामने सत्यजीत रे थे, उनके सामने ऋत्विक घटक थे, उनके सामने कुरोसावा थे, उनके सामने शोस्ताकोविच थे। ये सब इनकी जड़ों में मैं कहूँगा कि वो पानी है, और वो हर गुजरते साल के साथ चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो साहित्य हो, वो जोड़ता चला जाता है। विशाल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आज के इस कार्यक्रम में, और मैं समझता हूँ कि वर्षों के बाद ये मौका आया है कि जब हम आमने सामने बैठकर कुछ बातें कर पाएंगे। हालांकि मुझे विषय दिया गया है भारत का उभरता सिनेमा, जो चर्चा के बीच वो बात भी आएगी। लेकिन हमको सबसे पहले बताइए कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से छोटा ही कहा जाएगा एक ज़िला जहाँ आप पैदा हुए हैं, तो जो अर्ली इन्फ्लुएंसेस हैं आपके ऊपर वो आज मतलब अगर आप अपनी जड़ों को देखें उनमें उत्तर प्रदेश के उस छोटे से ज़िले आपके परिवार के परिवेश ने वो कौन सा पानी आपके अंदर आपकी जड़ों में डाला होगा जिसे आज आप याद करना चाहेंगे? जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। भोपाल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही अंदरूनी रिश्ता है। एक तो मेरे उस्ताद डॉक्टर बशीर बदर साहब यहाँ पे रहते हैं, तो मुझे भोपाल आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आरुषि यहाँ पे है जहाँ पे जी जो NGO चलाते हैं बच्चों के लिए, उनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। और भोपाल में मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी फिल्म बनाई है मकबूल, कल रात जब मैं यहाँ से गुजर रहा था होटल के रास्ते के लिए, और आज सुबह भी इधर आते हुए तो मुझे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई तो उसके साथ वापस आए। इसमें सबसे ज़्यादा जो सख्त याद थी वो थी इरफान मेरे दोस्त, और बहुत याद रखना है। जी तो आपके सवाल से जी हम मुझे बचपन में सबसे पहली चीज़ जो याद आती है वो जिला बिजनौर में एक छोटा सा शहर चांदपुर मेरी पैदाइश वहाँ की, और मैं फिर नजीबाबाद में करीब क्लास 5 तक पढ़ा। फिर जो मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स थे वो मेरठ में गुजरे, पर मुझे जो याद आते हैं वो मेरे फादर कवि थे और वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, खांडसारी जो डिपार्टमेंट होता है शुगर केन डिपार्टमेंट उसमें इंस्पेक्टर थे। तो वो दिल से शायर थे, कवि थे, तो बहुत मुशायरे हुआ करते थे। घर में कवि गोष्ठियाँ होती थी, तो जो घर में जो कवि आते थे मैं उन सबकी नकलें उतारा करता था, तो मुझे वो अपना याद है। और कहीं से वो पोइट्री मेरे अंदर आती रही। मुझे कव्वालियों के भी बहुत इंसिडेंट्स याद हैं कि जो घर में प्रोग्राम होते थे या कहीं मुझे ले जाया जाता था, या मुशायरे मुझे याद हैं जिन्होंने आई थिंक वहाँ से मेरी शख्सियत बननी शुरू हुई होगी। जो मैं आज हूँ, जहाँ पे मुझे हर चीज़ में एक पोइट्री देखने का, चाहे मैं वो फिल्म बना रहा हूँ या मैं गाना बना रहा हूँ, गाने में तो पोइट्री आई जाती है, मगर वो हर चीज़ में पोइट्री ढूंढना, हर रिश्ते में पोइट्री ढूंढना, हर जगह एक पोइट्री ढूंढना, वो आई थिंक वो कहीं वो मेरे उस बचपन की, वो मेरे फादर की परवरिश थी। उसके बाद मेरे फादर गुजर गए, उसके बाद डॉक्टर बशीर बदर साहब, वो मेरठ में थे और मैं मेरठ में उनके साथ रहा। फिर वो भोपाल शिफ्ट हुए जब दंगों में उनका घर जला दिया गया वहाँ से, और यहाँ भी तो डॉक्टर साहब की छाया में पला हूँ। फिर उसके बाद मैं गुलजार साहब के साथ रहा और हूँ, तो मुझे लगता है कि वो शायरी का जो एक साया मेरे सिर पे चलता रहा है, पोइट्री का, मैं उसी की वजह से हूँ जो हूँ। उस शायरी के जो पेड़ के नीचे जो 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 साया मेरे सिर से आज तक नहीं हटा, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ ही हटे। गुलजार साहब की बात आपने बहुत अच्छी चलाई, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ी देर बाद गुलजार साहब का भी जिक्र करेंगे, कि पोइट्री के आपके ऊपर असरात क्या हैं उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ा संगीत के बारे में आपकी बात करते हैं। और इस बीच हम याद दिलाते हैं उन लोगों को जो हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं। हमारे साथ फिल्म मेकर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज हैं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय विश्वरंग के इस आयोजन के लिए दिया है। हम एक बार फिर आपके आभारी हैं। हमको बताइए कि संगीत में और इवन सिनेमा में भी साइलेंसेस का रोल हमको बताइए। देखिए कितना कंटेंट क्रिएट हो रहा है कंटिन्यूस, हर सेकंड पर सैकड़ों घंटे का कंटेंट हमारे इर्द-गिर्द क्रिएट हो रहा है। कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा हैं और कंज्यूमर के ऊपर कितना बोझ है। अगर अभी इस वक्त देखिए डिजिटल समाज में कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस आपको कंटेंट कंज्यूम करना, आपको बॉम्बार्डिंग करनी। साइलेंसेस का म्यूजिक में और इवन फिल्म मेकिंग की जबान में क्या आप महत्व हमको समझाना चाहते हैं कि दो शब्दों के बीच एक छोटा सा सन्नाटा क्या बुनता है? आप अपना अनुभव बताइए संगीत के भी संदर्भ में और अपनी फिल्म भाषा के संदर्भ में। जी, ओशो कहते हैं बड़ी खूबसूरत बात कि म्यूजिक और पोइट्री दूसरे नंबर पे हैं, उनसे ऊपर जो भी खुदा के पास या एग्जिस्टेंस के पास या भगवान के पास या किसी भी चीज़ जो आप उसको मानते हैं, साइलेंस, खामोशी, सन्नाटा पहली चीज़ है। वो एक ओंकार सतनाम जो एक ओम की जो गूंज है, जो नाद है, वो पहला है। उसके बाद म्यूज़िक है, पोइट्री है, देन ऑल फाइन आर्ट्स। जैसे म्यूज़िक के बीच में जो सन्नाटा, जैसे उंगलियों के बीच में, वो भी ओशो कहते हैं कि आप पांच उंगलियां देख रहे हैं, मैं उन पांच उंगलियों के बीच में जो जगह है, जो खाली जगह है, मैं उसको देख रहा हूँ। तो अगर वो खामोशी ना हो, वो साइलेंस ना हो, तो म्यूज़िक का भी कोई वजूद नहीं। और मुझे तो लगता है कि साइलेंसेस क्रिएट करने के लिए ही सिनेमा बनता है, साइलेंसेस क्रिएट करने के लिए ही म्यूज़िक बनता है, क्योंकि जहाँ वो एक विराम आता है, तो उस विराम से जो सुकून आपके रूह में पहुँचता है, उसके लिए ही सब कुछ क्रिएट होता है, उस शांति के लिए, उस सुकून के लिए, उस सन्नाटे के लिए। तो मुझे लगता है कि सिनेमा में आप एक चीज़ कही जाती है जिसको मैं बहुत फॉलो करता हूँ कि जब तक ज़रूरत ना पड़े आप डायलॉग का इस्तेमाल ना कीजिए। जो आप आँखों से, सन्नाटे से, जो बात आप एक प्रेजेंस से कह सकते हैं कि आप, जैसे बहुत बड़े एक्टर्स होते हैं, जैसे आप देखें नसीरुद्दीन शाह साहब या पंकज कपूर साहब या उस तरह के जितने भी बड़े एक्टर हैं, उनका आप जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो डायलॉग्स तो सभी एक से बोलते हैं, स्क्रिप्ट सबको दी जाती है, तैयारी सब लोग उतनी करते हैं, और सब उसमें मेथड एक्टिंग भी करते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस भी करते हैं, सब कुछ अपने अपने ढंग से लोग तैयारियां करके आते हैं। पर जब एक बहुत बड़ा एक्टर होता है वो कुछ भी नहीं कहता है और वो 10 लोगों के बीच में खड़ा होता है और एक उसका एक ऐसा असर आपके ऊपर तारी होता है जिसको आप उसका रीज़न नहीं ढूंढ सकते, उसका कोई कारण ही नहीं होता है। तो वो जो इनविजिबल एक एनर्जी का जो एक पेनिट्रेशन आपके अंदर होता है वो इतना ज़्यादा इंटरनलाइज करके होता है उन एक्टर्स का कि वो जैसे अगर इस जगह में इस ये पिलर एक हिस्सा है या ये कुर्सी एक हिस्सा है तो वो वहाँ पे उस स्पेस का हिस्सा बन जाते हैं। तो उस स्पेस में जो भी क्रिएट हो रहा है उस स्पेस में अगर खुशी है या वो मूवमेंट दर्द का है वो उनके पूरे वजूद से एक बाहर आता है। और वो ऐसा नहीं कि उसको ज़बरदस्ती महसूस कराने की कोशिश करते हैं या कुछ भी ऐसा लाउड करते हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ उस लम्हे में उस अपने से जुड़ के वहाँ खड़े रहते हैं और आपके अंदर वो असर आता है। तो मैंने इतने साल में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैंने ये देखा कि जब जब जितना कम कहा जाता है वो उतना ज़्यादा आप तक पहुँचता है। और यहाँ अगर हम भारतीय चिंतन परंपरा और जो गुरु लोग हुए उनकी बात को याद करते हुए अगर हम उस्ताद पलटू की बात करें, उन्होंने कहा कि बोलिबे तो तब जब बोलिबे की जानी परे, बोलिए तो तब जब बोलिबे की जानी परे, नहीं तो चुप हुए मौन हुए रहिए। एक टेम्पटेशन होता है हमारे अंदर कि हम कुछ भी सुनते हुए बोलना शुरू इंटरप्ट करना शुरू करते हैं। आप देखेंगे कि ख़ासतौर पर ये जो साक्षात्कार की कला है जिसके बारे में कहा जाता है मेरे लिए कि आप सुनते हैं, असल में मेरा काम ये है कि मैं सुनूं ताकि आप भी सुनें। अगर मेरे अंदर ये टेम्पटेशन लगातार बनता रहे चलता रहे कि बोलते हुए आदमी के बीच बोलना है और टोकना है और उसकी अपनी चमकाना है तो बोलते हुए आदमी की पूरी विचार श्रृंखला सामने नहीं आ पाती। और इसीलिए एक एक्टर के लिए ये बात जॉन ने अपने एक्टर स्टूडियो में पूछते हुए एक बहुत महान हॉलीवुड एक्टर से पूछी। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल है एक एक्टर के लिए कुछ ना करते हुए कुछ करना, सबसे मुश्किल काम एक्टर के लिए कुछ ना करना है। और ये टेम्पटेशन किसी भी एक्टर को अगर वो बहुत जिसे कहते हैं गढ़ा हुआ नहीं है तो बहुत मुश्किल होता है कि कुछ ना करके आप अभिव्यक्त करें। और जहाँ तक साइलेंसेस की बात है और गुलजार साहब पर लौटते हैं कि कैसे एक बात एक शेर जब उसका पहला मिसरा कह दिया जाता है तो आप इंतज़ार करते हैं कि दूसरा मिसरा क्या कह रहा होगा और आप चमकते हो जाते हैं। पहले मिसरे के खत्म होते ही दूसरा मिसरा उसके अर्थ विस्तार को बदल कर रख देता है, आपके अनुभव में एक चमत्कार पैदा कर देता है। देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा में, देर तक हाथ हिलाती रही वो शाख हवा में, अलविदा कहने को या पास बुलाने के लिए। ये गुलजार साहब का अंदाज है कि पहली पंक्ति को कहकर उन्होंने जो सन्नाटा पैदा किया वहाँ से अगली पंक्ति अर्थ को बिल्कुल एक नए डायमेंशन पर ले जाती है। ये जो गुलजार साहब का चमत्कार आपके जीवन में है ये कैसे, सबसे पहला अनुभव बताइए कि क्या हुआ होगा जब गुलजार साहब, एक तो वो है कि जंगलों के लिए वो कहानी बार बार सुनी और बताई जाती है, लेकिन उससे अलग ही ज़रूर गुलजार साहब की इस चमत्कारिक जीवन और उनके क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन का आपके जीवन पर कुछ ज़रूर सिलसिला होगा। ये कुछ नहीं, वही है सिलसिला, वही है, वहीं से शुरू होता है वहीं से ख़त्म होता है। मैं गुलजार साहब का एक्सटेंशन हूँ, मैं उनके, अगर बरगद का पेड़ है तो उसकी एक शाख, मेरा अपना वजूद नहीं है, मैं उनसे निकला हुआ हूँ और मैं मेरे पत्ते का रंग अलग हो सकता है मगर मेरी शाख वहीं पर जुड़ी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा उनसे मुतासिर रहा हूँ और एक वक्त के बाद मैंने कॉन्शियसली भी कोशिश नहीं की कि मैं उनसे अलग साउंड करूँ। सिर्फ मेरी अपनी जो शख्सियत, जो मेरी अपनी पैदाइश परवरिश थी, उससे जो अलग होता चला गया। मगर मैंने कॉन्शियसली कभी भी कोशिश नहीं की कि मैं अगर उनकी मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपकी ख़राब कार्बन कॉपी हूँ तो इसलिए मैं वो मानने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे उसमें कोई कुछ उस बात से शर्मिंदगी नहीं है। मेरी जो उनसे जो मेरी मुलाकात और या मुझे जो उनका असर है वो बहुत बचपन से है। जब बचपन में तो खैर हाँ, उनके वो वाले गाने भी आई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी में से निकली बिल्ली की किताब का बिल्ली की दो लंबे कान, तो उस तरह के जो गाने थे। पर जब जवानी में कदम रखा और उनकी जो फिल्मी गानों में जो उनका जो शायरी सुनाई देती थी, सबसे बड़ा जो उसका असर वहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि जो पॉपुलर म्यूज़िक है, जो पॉपुलर म्यूज़िक में जहाँ पे हर जगह जान, कसम, यार, जानम और इस तरह के अल्फाज यूज़ होते हैं, वहाँ पे गुलजार साहब का जब वो आता था कि दिन खाली खाली बर्तन है और रात है जैसे अंधेरा कुआं, इन सूनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं, जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है। सो एक अकेला शहर या जो जिस तरह का जो एक्सप्रेशन उन्होंने फिल्मी गानों में दिया है कि औरों के घर में रहता हूँ, कब अपना कोई घर होगा, दीवार की चिंता रहती है, दीवार में कब कोई दर होगा, उसमें एक एक्सप्रेशन था जिसने मुझ पर इतना असर किया था कि ये कोई फिल्मी गाने में कैसे सोच सकता है और ये वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है। मुझे उसका मीटर याद नहीं है, इसी गाने में है, पर उसका जो मफहूम है वो उसमें ये था कि मैं जो अपने आंगन में रहता हूँ, ऐसा किराए के घर में जब हम लोग रहते हैं तो उसका एक्सप्रेशन था कि मेरा अपना, क्योंकि जब हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं एक ही चीज़ होती है कि अपना घर हो जाए, बस अपनी छत हो जाए, कि कोई घर से निकाले ना और एक किराया ना मांगे, कोई मुझे चिंता न रहे मेरे घर की। मिडिल क्लास की हम लोगों की सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो कि अपना घर हो जाए। तो उसमें था कि मुझे ऐसा लगता है किराए के घर में रह के जैसे मैं मौजे पहने रहता हूँ। तो कब ऐसा वक्त आएगा कि मैं नंगे पाँव उस आंगन को महसूस कर सकूँगा, कि मैं अपने मौजे उतार सकूँगा। अब ये फिल्मी गाने में ये बात कही। तो यहाँ से जब मैं बॉम्बे पहुँचा तो मेरा एक ही मकसद और एक ही ख्वाब था कि मैं गुलजार साहब के साथ काम कर सकूँ और एक गाना कर सकूँ। और जैसे कहा जाता है कि बहुत ही शिद्दत से अगर आपको एक चीज़ चाहें तो आपको मिल जाती है, और मुझे ऐसा नवाजा ऊपर वाले ने कि अब गुलजार साहब के कैरियर में सबसे ज़्यादा काम एज म्यूज़िक कंपोजर मैंने किया है। सो मुझे इस बात की खुशी है, मुझे इस बात का घमंड भी है कि मैं ये काम मुझसे जो मैंने चाहा था मुझे ऊपर वाले ने उससे ज़्यादा नवाजा है। मैं जितना टैलेंटेड था मुझे उससे ज़्यादा उसने मुझे पुरस्कार दिया। अच्छा, तो अब हम वापस आते हैं अपने उस मुद्दे की तरफ जो हमें दिया गया है, भारत में उभरता हुआ नया सिनेमा। और भारत में तो हर दौर में एक नया सिनेमा उभरता ही रहता है और आगे भी उभरता रहेगा, लेकिन जिस दौर में हम रह रहे हैं उस दौर में भी एक नया सिनेमा उभर रहा है। जब आपने फिल्में बनाना शुरू की तब भी ये बात होती थी और होती है आज भी कि एक नई धारा विशाल जी के हाथों से सृजित हो रही है और एक महान कलाकार वो है या एक ऑथरशिप कहिए वो है कि जिसका एक छोटा टुकड़ा भी अगर आप देखें तो आप सिग्नेचर पहचान सकें, जिसे ऑथरशिप कहते हैं सिनेमा में। पेंटिंग में अगर आप उसका उदाहरण दें तो अगर आप पिकासो की या एमएफ हुसैन की किसी पेंटिंग के 1000 टुकड़े कर दें, एक छोटी चिंदी को भी आप देख कर कह सकते हैं कि वो एमएफ हुसैन या पिकासो की पेंटिंग है। उसी तरह अगर विशाल भारद्वाज की फिल्मों के 4 करोड़ फ्रेम बना दिए जाएं तो एक फ्रेम को पहचान कर आप कह सकते हैं कि वो विशाल भारद्वाज की फिल्म है। विशाल जी, ये जो ऑथरशिप है इसको लेकर आपने अपने जीवन में कुछ नाम तो हमने लिए, सत्यजीत रे का नाम आप लोग लेते हैं, घटक का नाम लेते हैं और दूसरे बड़े मास्टर्स का नाम लेते हैं। ये जो ऑथरशिप का की कोई एक सोची और एक थोड़ी उसको एक सिंक्रोनाइज ढंग से करना और एक उसमें कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं, ये कुछ प्रेरणाएं हमको शुरू में जब आपने म्यूज़िक करते हुए फिल्में बनाना शुरू की और बाद में फिर साहित्य को केंद्रित करके फिल्में बनाई, तो इसमें कुछ आपका अपना कोई जिद या वो है इस ऑथरशिप को लेकर कोई आपकी अपनी समझ? जी यह बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं। एक तो जो आर्टिस्ट होता है वो जिद्दी होता ही है, और अगर वो उसकी जिद होती है और वो जिद होती है उसकी कि उसने जो वो इमेजिन किया है, जो ख्वाब जो सपना देखा है, उसको वो कितनी ऑनेस्टी के साथ अचीव कर सके, तो वो अचीव करने की एक जिद होती है। सो और फाइन आर्ट्स में क्या होता है जो सिनेमा से अलग है, वो ये है कि अगर मुझे शायरी करनी है तो मुझे कागज़ और कलम चाहिए और मैं लिख सकता हूँ, उसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे पेंटिंग बनानी है तो मुझे कैनवस और ब्रश चाहिए, मैं कर सकता हूँ। और मुझे म्यूज़िक बनाना है तो मैं तानपुरा, हारमोनियम, पियानो के साथ कर सकता हूँ। फिर उसको रिकॉर्ड करने का आएगा वो, ठीक है, वो उतना ज़्यादा उसमें वो नहीं है। सिनेमा में क्या है कि इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं जिसमें कि आपको ये सब तो करना ही है, पर आपको और बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है पैसा। कि आपको पैसा चाहिए जो कि आपके पास तो होता नहीं है, आर्टिस्ट के पास तो कभी पैसा नहीं होता है, और वो पैसा लगाने वाला जो होता है वो कभी आर्टिस्ट नहीं होता है। तो ये बड़ी आयरनी होती है। तो कैसे आप किसी को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें कि आप जो मैं सपना ख्वाब देख रहा हूँ, आप इसमें पैसा लगाइए और आपको इसमें पैसा तो वापस आएगा, प्रॉफिट भी साथ में वापस आएगा, जो कि झूठ होता है, वो तो कभी होता नहीं। क्योंकि आप अच्छी चीज़ बनाएंगे तो उसके बिकने के चांसेस उतने कम होते चले जाते हैं। तो आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, मैं बोलता कि आप एक अपने लिए भी एक छलावा बनाते हैं कि नहीं, जो भी चीज़ बना रहा हूँ सबको पसंद आएगी। मैं तो अपने साथ वो करता हूँ, मैं तो छलावे में रहता हूँ कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊँगा जो कि सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्म होगी। उस वहाँ से मेरा शुरू होता है और मैं लास्ट तक, जब तक पब्लिक का चाटा नहीं आता होगा, तब तक मुझे यही लगता है कि हाँ, कि अरे मैंने तो कमर्शियल फिल्म बनाई थी अपनी तरफ से। तो मैं वो छलावे में रहने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और उसमें फिर धीरे धीरे आपको वो चीज़ें कि कैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं औरों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, कि मैं कैसे लोगों को कंफ्यूज करूँ कि ये इस फिल्म को देख के वैसा ही मज़ा आएगा जैसे रोहित शेट्टी की फिल्म को देख के आएगा, या जैसे किसी कमर्शियल फिल्म को देख के मज़ा आएगा, कि इसमें गाने भी होंगे, इसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, इसमें और बहुत कुछ चीज़ें होंगी। तो मगर वो कैसे, ये लोग कैसे बर्फी के अंदर कैसे मैं क्रोसिन मिला के दूँ कि जब आप खाते हो आखिरी टेस्ट आएगा तो आपको लगेगा इसमें तो दवाई मिल गई मुझे। सो ये एक आर्ट मैंने सीखी है जिसकी वजह से मैं अब तक सर्वाइव किया हूँ। मगर जो ऑथरशिप का जो सवाल है और जिद का, मैंने तो आपको बोला कि जिद तो होती है कि करना तो वही है जो कि मैं चाहता हूँ, और करना अपनी टर्म्स के ऊपर है। पर उसमें भी ये मीडिया में ऐसा है कि ये एक, इसका क्रेडिट भी डायरेक्टर को मिलता है और इसकी गालियाँ भी डायरेक्टर को मिलती है। क्रेडिट बांटने के टाइम में काफ़ी लोग हो जाते हैं, मगर जब बुराई होती है तो अकेले डायरेक्टर को लेनी पड़ती है, बाकी सब फट जाते हैं। इसमें ही ऑथरशिप से जुड़ा हुआ जो जर्नी है, मैं आपको बताऊँ कि जो शुरू होती है वो ये होती है कि फिल्म में आप डायरेक्टर कैसा है वो बिल्कुल नंगा आपस खड़ा होता है आपके सामने पर्दे पे। एक्टर्स किरदार के पीछे छुप जाते हैं, टेक्नीशियंस डायरेक्टर को फॉलो कर रहे होते हैं। जो विजन होता है या जो भी सामने आता है वो डायरेक्टर का सोच होती है कि वो अपने समाज के बारे में क्या सोचता है, वो अपने समाज में औरत के बारे में क्या सोचता है, उस रिश्तों के बारे में क्या सोचता है, वो रिश्तों से अग्री करता है या नहीं करता है, वो अपने टाइम की पॉलिटिकल सिचुएशन में एग्री करता है या नहीं करता है, उसकी आवाज़ क्या है, उसकी सोच क्या है, उसके एस्थेटिक्स क्या है, उसका पोएटिक सेंस क्या है, उसका म्यूजिक सेंस क्या है, उसका पेंटिंग का सेंस क्या है, एवरीथिंग इज टोटली विजिबल ऑन स्क्रीन। मैं एक फिल्म देख के एक डायरेक्टर की पर्सनैलिटी तो बिल्कुल उसके उससे रिलेट कर सकता हूँ और जान सकता हूँ कि किस तरह का आदमी है। तो वो ऑथरशिप तो आप चाहें तो भी नहीं छुपा सकते, बाकी सब छुपा सकते हैं, डायरेक्टर नहीं छुपा सकता उसके अंदर। वो अगर कहे कि कहानी तो मैंने भी लिखी थी पर कहानी चुनी उसने लिखी, वो हर चीज़ डायरेक्टर से, क्योंकि ये मीडियम डायरेक्टर का है। अब ऑथरशिप जो है वो जो आती है जो वो आई थिंक एक तो वक्त के साथ इवॉल्व होती है। वो ऐसा तो नहीं कि कोई लेके पैदा होता है, हम सब लोग जब फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं तो हम लोग किसी न किसी चीज़ से मुतासर होते हैं और धीरे 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 करके हम लोग अपनी आवाज़ उसमें ढूंढते चले जाते हैं कि एक वक्त के बाद आप कॉन्शियसली उस चीज़ को डिस्कार्ड करते हैं कि नहीं मैंने सुना हुआ है। और दिमाग जो है ना वो इतनी घटिया किस्म की चीज़ है कि वो सबसे पहले आपको सबसे सुनी हुई चीज़ देगा, सबसे देखी हुई चीज़ देगा, वो इससे ज़्यादा लेजी ऑर्गन आपके पास आपके शरीर में नहीं है जो कि मेहनत नहीं करना चाहता है। वो चाहता है आपको बिल्कुल सुनी हुई में दे, आपको एकदम सुना हुआ फ्रेज कान में सुनाए और आपको वो उसको डिस्कार्ड करके कि आपको अपने आप को कुरते रहना पड़ता है, अपने आप को परोसते रहना पड़ता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ नया चाहिए, मुझे कुछ अपनी आवाज़ चाहिए। तो ऑथरशिप धीरे 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 करके इवॉल्व होती है और वो कॉन्शियसली तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आप चाहें कि मैं मैं सत्यजीत रे की मेरी ऑथरशिप आ जाए या किस लॉस की किया जाए या कुरोसावा किया जाए या रित्विक घटक किया जाए, वो कभी नहीं आ सकती। वो अपने आप नेचर से, प्रकृति से पैदा होती है जिसमें कि आपकी शख्सियत का एक हिस्सा बनती है वो। तो फिर आप जो भी कहते हैं, आप जो भी करते हैं, उसमें आपकी छाप, उसमें आपका इम्प्रिंट, उसमें आपकी छवि वो उसमें दिखाई देती है, चाह के नहीं। जब आप चाहना शुरू करेंगे तो वो आपकी छवि में किसी और की छवि दिखाई देगी। आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि एक प्रक्रिया है, एक फिल्मकार, एक म्यूजिक कंपोजर, एक क्रिएटिव आदमी की काम करने की प्रक्रिया की क्या एलाबोरेशन, उसकी लेयर्स क्या है, यही इन लंबी गुफ्तगुओं का लक्ष्य होता है। और जिस प्रोग्राम को आप पसंद करते हैं या जिस घड़ी की हुई बातचीत की शैली को हम सराहते हैं, उसमें यही बातचीत की हुई है कि हम प्रोसेसेस को थोड़ा समझें, ये जो फॉर्मेशन है एक आर्टिस्ट का उसको समझें कि वो कितना चुनौती भरा, कितना सोचित और कितनी उसके पीछे इन्वेस्टमेंट है, टाइम, एनर्जी और क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट कितना है। और जिस तरह विशाल जी बता रहे हैं इस वक्त, अगर आप एक एक शब्द को गौर करें तो हम समझते हैं कि बहुत जल्दी में कोई नतीजा निकालने की ज़रूरत नहीं है। हर कलाकार की प्रक्रिया के ये परतें हैं जिन परतों को एक कलाकार के रूप में आपको भी समझना और सीखना पड़ेगा इस समय, जबकि हम बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय में रह रहे हैं जहां हमारे ऊपर लगातार हमारी ओपिनियन को ओरिएंट करने के लिए और कंटेंट बम्बार्डिंग हमारे ऊपर हो रही है। उसमें अपनी क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिटी को बचा कर रखना एक कलाकार के लिए बहुत ही चुनौती भरा काम है, जिसको विशाल जी बताने की बहुत ही कामयाब कोशिश उन्होंने इस वक्त की है। और यहीं पर विशाल जी ये ज़रूर हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो अभी बदलता हुआ समय है, जिसमें ये भी आप देखिए OTTs वगैरह के आने के बाद एक बिल्कुल नए तरह का एक विजुअल कंडीशनिंग हमारी हो रही है। ऐसे में आपकी यात्रा के इस पड़ाव पर ये जो एक फ्री कंटेंट है और जो टेक्नोलॉजी ने जो इक्विप किया है एक बड़ी संख्या में क्रिएटिव लोगों को, वो आपकी यात्रा में कि किस तरह रोल निभाता है या क्या कोई हिंड्रेंस पैदा करता है या कोई मदद करता है, इसका क्या अनुभव है? मुझे लगता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं और अच्छाइयों के साथ बुराई आती है, क्योंकि हमें हर चीज़ इस दुनिया में द्वैत में चलती है। जिंदगी है तो मौत है, वो हमेशा, अगर अकेला हो जाए तो निर्वाणी हो जाए, तो वो जो दोनों चीज़ें साथ में आती हैं, तो मुझे मैं हमेशा उसकी अच्छाई की तरफ देखने की कोशिश करता हूँ, बुराई तो डेफिनेटली आती है। सो ये जो OTT का और टेक्नोलॉजी से लड़ने का कभी भी कोई मतलब नहीं है, उसके टेक्नोलॉजी के बहुत, जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पहले आई थी हमारे म्यूज़िक में आई, सो उसका एक बहुत बड़ा दर्दनाक जो असर हुआ था वो हमारे जो अकोस्टिक म्यूजिशियंस के ऊपर हुआ था। एक वक्त था कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक दिन में जब 5 या 6 बड़ी रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, जो बड़े म्यूज़िक कंपोजर्स थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, R.D. बर्मन और उषा खन्ना और तमाम कल्याणजी आनंदजी सब, तो एक दिन में 5-6 रिकॉर्डिंग हो करती थी, तो कम से कम 300-400 गायन इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, जो कि जगह जगह बजा रहे होते थे, कि कहीं 50 बजा रहे हैं, 100 बजा रहे हैं, और उनकी कभी भी कमी रहती कि 200-300 वायलिनिस्ट या 25-26-40 तबले वाले, ढोलक वाले, गिटार वाले, ये सबकी कमियाँ रहती थी। इतने होने के बावजूद, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री थी, इतनी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है हमारी म्यूजिकल इंडस्ट्री जो है हमारे बॉम्बे में, जब डिजिटल आया, कीबोर्ड्स आए, कंप्यूटर्स आए, तो धीरे 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 वो सारे म्यूजिशियंस डिलीट होते चले गए। मैं बहुत से म्यूजिशियंस को जानता हूँ जो कि जिन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर दिया, जिन्होंने गाड़ियों चलाने का काम शुरू कर दिया, सब काम होते चले गए, वो बहुत दर्दनाक था। मगर उसका जो दूसरी तरफ अच्छी साइड थी, हम लोग साउंड में एक नई चीज़ एक्सप्लोर कर रहे थे, जिसमें A.R. रहमान की एंट्री हुई। A.R. रहमान ने हमारे म्यूज़िक के साउंड को बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर लेके आए, साउंड स्केप्स बनने शुरू हो गए, जो कि हम लोग नहीं क्रिएट करते थे, पर उसका अपना असर था, रंग था, हमारे जो उस वक्त अकॉस्टिक का अलग था, तो वो, पर उससे लड़के कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्लासिकल म्यूजिक ने हमारे फिर भी अभी भी बचाया है थोड़ा सा, लोगों ने सारंगियाँ सीखनी बंद कर दी थी, सितार सीखने बंद कर दिए थे, मगर उसमें आई थिंक उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब, रविशंकर जी से जो चल के आया, जो हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस ने जो इंटरनेशनल स्टार्स पैदा किए, तो वैसे ही टेक्नोलॉजी जब भी आती है तो मोबाइल आया, मोबाइल के फ़ायदे हैं, मोबाइल को तो नुकसान भी। आप देखिए सब लोग गर्दन झुका के नीचे लगे रहते हैं, उसमें हम उंगलियों पर पूरी दुनिया है, पर फिर भी हमारी, हम अपनी दुनिया से कितने दूर हो गए, अपनी फैमिली से कितना दूर हो गए, हम सब लोग उसके गुलाम हो गए, और उसके उतने फ़ायदे भी हैं, तो आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। सेम OTT का आना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि फिल्म का एक तो क्रिएटिवली, फिल्म में एक बंदिश है, 2 से 3 घंटे, पहले 3 घंटे की हुआ करती थी, अब वो घट के 2 घंटे आ गई है, और अब कहा जाता है कि अगर 1.5 घंटे की फिल्म है तो उससे बढ़िया कोई अच्छी बात नहीं है। 2 घंटे से ज़्यादा की फिल्म ना बनाइए, 2 घंटे 15 मिनट से ऊपर आपको अलाउड नहीं है, 2 घंटे 45 मिनट आपकी फिल्म है तो वो सबके लिए परेशानी है, क्योंकि थिएटर वाले कुछ नंबर ऑफ शोज़ कम हो जाते हैं, जितने छोटी फिल्म होती है उसके नंबर ऑफ शोज उतने बढ़ जाते हैं, तो उसका एक कमर्शियल रीजन उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसमें इंटरवल होता है तो उसमें पॉपकॉर्न जितने बिकते हैं तो जितने नंबर, तो ये एक अजीब सी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। क्रिएटिवली क्या प्रॉब्लम है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपका कोई कैरेक्टर आपको फिल्म में, इकोनॉमी में आपको उसको एक लाइन में कहना पड़ता है, और वो कैरेक्टर को आप एस्टेब्लिश करने के लिए आप पूरा एपिसोड कह सकते हैं एक OTT में। तो ये वेब सीरीज़ का नाम वेब सीरीज़ है, पर आई थिंक सीरियल्स तो हम पहले से बाहर की टीवी में बनते हैं, यहाँ की टीवी में भी बनते हैं। जो सबसे अच्छी बात अभी तक OTT में आई है, तो जिस तरह के बजट्स मिलते हैं OTT में बनाने के लिए, जिस तरह के कंटेंट्स आप बना सकते हैं, इतने खूबसूरत, इतना बढ़िया काम जो लिटरेरी वर्क जो हो रहा है, शायद हमारे उसमें कम हो रहा है, हमारे उसमें भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी रे की भी सीरीज़ आई और बहुत सारी सीरीज़ आ रही है। उसका जो फ्लिप साइड है वो ये है कि जब इस तरह की आज़ादी मिलती है, पता नहीं कितने दिन रहेगी वो आज़ादी, पर जो आज़ादी मिलती है जिसमें सेंसरशिप नहीं है, आपकी फिल्म में सेंसरशिप है, और सेंसरशिप का इतना फार्स है कि आप समझ नहीं सकते हैं। आप कभी उस मीटिंग में जाइए कि जब फिल्म मेकर को एक सेंसर बोर्ड के जो फिल्म की स्क्रीन के बाद उसे देखने के लिए बुलाया जाता है, तो जिस तरह के सवाल होते हैं उसके ऊपर फिल्म मेकर सीरीज का एंडलेस आप चीज़ें बना सकते हैं। इट्स ए हिलेरियस फार्स। समटाइम्स दैट विल फ्रस्ट्रेट यू, इट विल अब्यूज यू। मुझे याद है मकबूल का स्क्रीनिंग थी, तब मुझे बड़ा फिल्म मेकर तो मैं था नहीं, माना नहीं जाता था। सो मुझे बुलाया गया अंदर, तो उसमें जब हुआ तो ये था कि एडल्ट्स को दिया जाए या यूए दिया जाए, और वो भी बिजनेस से जुड़ा होता है। तो उसमें एक लेडी ने मुझे उठ के बोला कि ऐसी फिल्म बनाने का फ़ायदा क्या है, आपको कुछ भी ले लीजिए, कौन देखने आने वाला, फिल्म ऐसी फिल्म बनाने का फ़ायदा क्या है, कोई तो एंटरटेनमेंट है नहीं इसके अंदर। ये तो मैं खैर उनका कमेंट बता रहा हूँ, पर जो वो क्रिएटिवली वो लोग जो बातें बोलते हैं उसके अंदर, और जो होता है वो I mean, उसको कहते हैं कि बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है, पर वो कह दें वो बिल्कुल भी नहीं है, वो इम्पोज किया जाता है आपके ऊपर कि आप इसे ये कट कर दीजिए, वो कट कर दीजिए। पहले एक बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी उसके अंदर कि एक हाई कोर्ट के जज के साथ आपका FCAT था, जिसके अंदर जिसमें अगर आप सेंसर बोर्ड में आप स्क्रीनिंग में गए, वहाँ आपको जो सर्टिफिकेट आप चाहते नहीं मिला, आप रिवाइजिंग कमेटी में गए, उसने नहीं किया तो एक हाई कोर्ट जज वहीं पर मौजूद होता है, जिसको कि गवर्नमेंट ने हटा दिया है कि अगर आपको सेंसर बोर्ड से आपको तकलीफ है तो आप सीधा कोर्ट में जाइए, तो अपील भी नहीं कर सकते। और वो कोर्ट में जाना हिंदुस्तान में इतना महंगा है, क्योंकि अगर वो छोटा फिल्म मेकर है तो वो कहाँ से जाएगा, तो वो इस बात को मान लेता है। तो सेंसर बोर्ड का जो वो हवा है, जो पहाड़ है, जो चट्टान जो फिल्म मेकर्स के क्रिएटिव आदमी के ऊपर रखी गई है, वो अगर आप सोचिए ना कि अगर आप किताब लिखते हैं, आपको हर किताब के लिए बोर्ड बना हुआ है कि ये लाइन आप हटा दीजिए यहाँ से, ये आपने क्यों इसको डेडिकेट किया हुआ है, ये हटाइए यहाँ से, इसके मानी दूसरे हैं, तो क्या कुछ हो पाएगा। पर किताबें इतनी छपती हैं कि, और किताबें उतनी पढ़ी नहीं जाती हैं, तो जो चीज़ पहुँचती है मासेस तक उस पर ये ब्रिटिश थिंग तो वहाँ से सेंसर बोर्ड बना हुआ है। OTT में उस सेंसर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, रेटिंग्स हैं कि आप देख सकते हैं, आपके अपनी मोरालिटी के ऊपर है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप सब कुछ अवेलेबल है। तो जब इस तरह की आज़ादी मिलती है पहली बार, तो उसमें ऑब्वियसली 90% गंदगी आएगी पहले बाहर, क्योंकि जो आपके जो रिप्रेशन है सोसाइटी में, सेक्स को लेकर, वायलेंस को लेकर, वो सब आप वोमिट करते हैं, आप वमन करते हैं, उल्टी करते हैं उसमें, क्योंकि देखने वाले भी और बनाने वाले। सो वो तो आएगा ही बाहर, पर उस आज़ादी के साथ बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें भी आती हैं। तो धीरे 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 वो कहने वाले भी, उल्टी करने वाले भी थक जाते हैं, और उसको देखने वाले भी थक जाते हैं। और जब जब इतनी आज़ादी हो कि आप कुछ भी देख सकते हैं, आप कुछ भी सुन सकते हैं, और जहाँ पर उसके लिए समाज भी उतना फिर इवॉल्व होना चाहिए, समाज भी उतना मैच्योर होना चाहिए कि समाज को वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मैं अगर वो देखना चाहूँ तो वो मेरी अपनी पर्सनल स्पेस में वो कुछ भी देख सकूँ, वो उसकी आज़ादी मुझे होनी चाहिए। तो अब ये OTT का जो आया है, जो चीज़ें आई हैं, उसमें सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, इंडिविजुअल इवॉल्व हो रहा है, समाज इवॉल्व हो रहा है, क्रिएटर इवॉल्व हो रहा है, क्रिएटिविटी देखने वाला इवॉल्व हो रहा है, पर हमारी स्टेट को इवॉल्व होना हम सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर स्टेट इवॉल्व नहीं होगी तो कुछ भी इवॉल्व नहीं हो सकता है। अगर स्टेट अपना पंजा लगा के रखेगी इंडिविजुअल के ऊपर, समाज के ऊपर, क्रिएटर के ऊपर, तो कुछ भी नहीं होगा। वो आप बढ़ने से तो किसी चीज़ को नहीं रोक सकते, एनर्जी तो रहेगी, अगर आप उसको ऊपर नहीं बढ़ने देंगे तो वो वैसे बढ़ेगी, वो हॉरिजॉन्टल बढ़ेगी। अगर आप उसे वर्टिकल नहीं बढ़ने देंगे वो हॉरिजॉन्टल बढ़ेगी, और हॉरिजॉन्टल जो बढ़ेगी वो एक दिन फट जाएगी, वो सोसाइटी फट जाएगी, और हम उस फटने की तरफ बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो हमें बल्कि बहुत ओपन होना ज़रूरी है, और ये चीज़ माननी ज़रूरी है कि जब कोई नई चीज़ आती है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है या कोई भी चीज़ आती है, उसके अच्छे असर, बुरे असर होंगे, पर एज सोसाइटी हमको ऊपर बढ़ना है, और सोसाइटी को बढ़ने के लिए सोसाइटी को बड़ा दिल करने के लिए सबसे पहले स्टेट को बड़ा दिल करना है। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी बात है। आपने इस वक्त भी एज अ कंज्यूमर, कॉन्टेंट कंज्यूमर, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप किसी विजुअल एक्सपीरियंस को या किसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को या किसी ओटीटी सीरीज़ को या किसी शॉर्ट फिल्म को आप ये कहकर कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, इट्स अ वन टाइम वॉच, और वो आपके अंदर जाकर उस तरह का कोई रिग्रेसिव कंटेंट आपके अंदर जाकर वो गड़बड़ी पैदा करता है। उससे आप अपने आप को आज़ाद कर नहीं सकते। मतलब अगर आप किसी तरह का एक सीरीज ऑफ एग्रेसिव कंटेंट जो आपको पीछे ले जाता हो, आपके अंदर एक प्रतिक्रियावादी मानसिकता को जन्म देता हो, उसको असावधानी से कंज्यूम करने के अपने नुकसान। तो एक अपने प्रशंसकों के लिए भी, और आप खुद एक क्रिएटर हैं, आप इस पर ज़रूर रिफ्लेक्ट कीजिए कि जब हम लापरवाही में, और जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट गिव इट अ वन टाइम वॉच, उस वक्त अगर सावधान होकर किसी कंटेंट को कंज्यूम ना किया जाए, वो आपके अंदर जाकर वो एक स्थायी किस्म की गड़बड़ी पैदा करता है। चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे वो कोई विजुअल एक्सपीरियंस हो, गालियाँ हो, वॉयलेंस हो, वो आपके अंदर जाकर बहुत दिनों तक, बहुत देर तक वो अपना काम करता है। इस पर मुझे लगता है कि उसका एक तो सीधा नाता जो है वो आपकी अपनी सेंसिटिविटी के साथ है, आप कितने हसास हैं। मगर मुझे ये लगता है कि हम सब, और जो मैं हम सब कह रहा हूँ, हम सब किसी भी तबके से हों, किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी जात से हों, हम सब पैदा तो नहीं हुए हैं किसी ज्ञान के साथ या किसी रिलीजन के साथ। हमको दिया जाता है, हमें माँ बाप देते हैं, हमें सोसाइटी देती है कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ऐसे सोचिए। मगर कहीं डीप डाउन हम सब लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं, हम सब लोग बहुत ही अकाउंटेबल हैं। अगर हम बायस ना हों, अगर हम पक्षपात ना करें और किसी चीज़ को बिना पक्षपात के साथ देखें, तो डिग्रेशन में अगर आप देखें कि अब जो निर्भया केस हुआ है, उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है? कोई भी नहीं जस्टिफाई कर सकता है। उसमें अगर ये आवाज़ भी उठती है अगर कि अरे लड़की को रात को इतनी अकेले जाने की क्या ज़रूरत है ना, लड़की को छोटे कपड़े पहन के जाने की क्या ज़रूरत है? पर अगर वही लोग अपने दिल में अगर जाके बोले कि क्या ये, अगर खुद से सवाल पूछें कि क्या ये सवाल सही है, क्या हम ऐसा, या जिन्होंने वो किया है, जो उसकी कल्प्रेट हैं, जो जिन्होंने वो किया है, अगर सच में वो अंदर से जाके जोड़ के अगर सवाल पूछा जाए उनसे, तो कोई उस चीज़ को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है। तो हम सब लोग कहीं डीप डाउन बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है, और अगर नहीं है तो उसी के लिए तो लॉ भी बनता है, उसी के लिए पूरी जो सोसाइटी के नॉर्म्स बनते हैं, सब कुछ है। पर मुझे लगता है कि उसको ये कह के रोकना कि ये कंटेंट ना बनना चाहिए, और अब मैं बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूँ कि अगर प्रोग्रेसिव बनना चाहिए, रिग्रेसिव खुद बनने की उतनी आज़ादी है। और अगर हम प्रोग्रेसिव लोग बोलते हैं कि रिग्रेसिव को बनने की आज़ादी नहीं, तो फिर हम प्रोग्रेसिव नहीं। ये तो देखने वाले के ऊपर है कि वो उस रिग्रेशन को रिजेक्ट करे, उस रिग्रेसिव चीज़ को रिग्रेट करे। और अगर हम एज सोसाइटी उस रिग्रेसिव कंटेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन वी डिजर्व टू वॉट स्टेट वी आर इन। पर ऐसा नहीं है कि ये भी तो साइकिल्स होते हैं। आज हम रिग्रेसिव हैं, हम जिंदगी में रिग्रेसिव नहीं रहने वाले हैं। ये जो एक जुनून चला है इस चीज़ का, ये कहीं तो जाकर खत्म होगा, कहीं तो आके आपको समझ में आएगा कि हम गलत थे, क्योंकि आपको ये भी समझ में आया कि जो हमने अब तक किया वो भी गलत था। तो अब फिर वो गलत को सही मान के किया, वो भी अपनी गलत साइकिल है जो कि चलता रहेगा। मगर ये एक देखने वाले के ऊपर होना चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि वो उसको डिग्रेसिव माने प्रोग्रेसिव माने, वो चाहे कि सब देखें या ना देखें। अभी तो हम सब लोग जज बन जाते हैं, हम सब लोग सोसाइटी के ठेकेदार बन जाते हैं कि आपने मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया तो मैं अब या किसी और को नहीं देखने दूंगा, या मैं सिनेमा हॉल को तोड़ दूंगा, मैं इस फिल्म को नहीं चलने दूंगा, ये नहीं दिखाई जानी चाहिए। तो वो आई थिंक, और वहाँ पर फिर लॉबी उसके लिए आज़ादी देता है कि हाँ आप तोड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको हक है छोड़ने का, डेमोक्रेसी का। तो ये बहुत ही एक आई थिंक आपका जो सवाल है ये, इसके ऊपर एक नहीं 10-12 सेशन होने चाहिए, और उसमें सिर्फ एक आवाज़ नहीं, इसकी ऑपोजिट आवाज़ में सामने बैठी हो तो शायद और हेल्दी डिस्कशन हो सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा।